गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये बेटा चैप्टर सेकंड चैप्टर के साथ लिंक्ड है। सेकंड चैप्टर में आपने क्या किया था, एमएस एसएस में आप जो टेबल बनाते हो उसके डिजाइंस किए थे। दो तरह से हम टेबल बना सकते थे, डाटा शीट व्यू में और डिजाइन व्यू में। और टेबल बनने के बाद ये चीजें परफॉर्म होती हैं, क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। और आज बेटा मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी टेबल कैसे बनता है वो भी, बट थोड़ा सा एक बार आप ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पे। ये सारा वैसे मैं पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए भी आपने क्या पढ़ा था। क्वेरीज क्या थी बेटा, क्वेरीज में यू कैन आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट योर डाटा, वट वुड बी डिफिकल्ट टू आंसर बाय सिंपली लुकिंग एट द टेबल। टेबल में से जो भी आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आप क्वेरी बनाकर उस क्वेश्चंस के आंसर को इजी वे में ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टूडेंट का टेबल था, तो वहां पे क्या है, सपोज जो भी आपका टेबल बना हुआ है आपने क्वेरी क्या करनी है, मेरे को उन बच्चों का नेम चाहिए जिनके मार्क्स 60 से अबव आए हैं। तो वहां पे आप क्वेरी में ये बता दोगे मुझे 60 से अबव वाले बच्चों के नेम चाहिए, तो वो क्वेरी जब आप रन करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा जिसमें 60 से अबव वाले बच्चों के ही नेम आएंगे, बाकी बच्चों के नेम नहीं आएंगे। ये क्या होती है बेटा क्वेरी, एक सिंपल मेथड है क्वेश्चन पुट करने का डाटाबेस में से, जो आपको उस तरह से आंसर देता है जिस तरह का आप चाहते। अब हम भी आपको देखो जब भी लाइव क्लास होती है हम पूछते हैं ना, डू यू हैव एनी क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या होता है, आपके पास कौन सा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन हमसे पूछते हो तो बोल के पूछते हो, अगर आपको डाटाबेस से क्वेश्चन लेना है तो आपको क्वेरी बनानी पड़ती है। वो मैं आज बनाने भी बताऊंगी आपको कैसे बनती है। तो एमएसएसएस में काफी टाइप्स की क्वेरीज होती है, 7 टाइप्स की। तो मैंने लास्ट में आपको डिटेल में बताया था सिलेक्ट क्वेरी कौन सी होती है, जिसमें इट सिलेक्ट्स द डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड डिस्प्लेज द डाटा इन ऑर्डर इन विच द यूजर वॉन्ट टू डिस्प्ले इट। ये वन और मोर टेबल्स को मिलकर बनती है और डाटा उस तरह से डिस्प्ले करती है जिस तरह से आप चाहते हो। एडवांस और सॉर्ट क्वेरी में क्या होता है, जो भी डाटा आपको शो करना है वो सॉर्ट फॉर्म में आता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। टोटल और समरी क्वेरी में क्या होता है बेटा, ये यूजर को अलाउ करती है कैलकुलेट सम एवरेज एंड सो ऑन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, इट डज नॉट शो इंडिविजुअल रिकॉर्ड। ये सारा कंबाइंड रिकॉर्ड शो करती है, अलग से इंडिविजुअल अलग से एक एक रिकॉर्ड शो नहीं करती, पूरा टोटल समरी को शो करती है टेबल की। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास पैरामीटर क्वेरी। पैरामीटर क्वेरी में क्या था, इट आस्क द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर बिफोर डिस्प्लेइंग द टेबल डाटा शीट। टेबल को डाटा शीट में शो करने से पहले क्वेश्चन पूछना पड़ता है, वो पूछता है आपको कौन सी पैरामीटर के थ्रू डाटा आपको क्वेरी करनी है। ऑटो लुकअप क्वेरी ऑटोमेटिकली डाटा को इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता है यूजर के बिहाफ पे, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो डाटे को अपने आप फिल कर देता है। एक्शन क्वेरी, इसमें आप काफी कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप टेबल को मॉडिफाई करना, डिलीट करना टेबल को, कुछ रिकॉर्ड ऐड करने, नए ऐड करने या फिर पुराने डिलीट करने, ये सारा कुछ आप कर सकते हो एक्शन क्वेरी से। क्रॉस टैब क्वेरी में क्या होता है बेटा, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेबल विद द वैल्यूज ऑफ वन फील्ड ऑन द टॉप एंड अदर डाउन द साइड ऑफ द डाटा शीट। एक तो वैल्यूज होती है टॉप पे और बाकी वैल्यूज होती है बॉटम पे। ज्यादातर बेटा मेन आपको कौन सी क्वेरीज ज्यादा करनी होती है, सिलेक्ट क्वेरी, सॉर्ट क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी, ये तीन चार इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी पढ़नी पड़ेंगी जो कि आपके एमसीक्यूज है, बैक एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे इनबॉक्स में दिया था फॉरेन की किसे कहते हैं, वो की टू अ फील्ड इन अ टेबल दैट स्टोर्स वैल्यू विच मैच द प्राइमरी की फील्ड इन द अनदर टेबल। फॉरेन की और प्राइमरी की सेम होती है, बट ये दोनों अलग अलग टेबल में होती है। फॉरेन की दूसरे टेबल में होगी और प्राइमरी की पहले टेबल में होगी, पर दोनों का जो डाटा है वो सेम होगा, इसीलिए उसको दूसरे टेबल में जाके क्या बोला जाता है, फॉरेन। तो यहाँ पे सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स है, यहाँ पे देखो उन्होंने दो टेबल बनाए थे, एक गेस्ट नेम का और एक फोन नंबर का। अब इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे बनाया इन्होंने, प्रैक्टिकल में है, डाटाबेस टूल्स में जाके रिलेशनशिप पे क्लिक किया। रिलेशनशिप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये बॉक्स आ गया, उसमें दो टेबल्स है, उन दोनों टेबल्स का आपको रिलेशनशिप डबल क्लिक करके बना के यहाँ पे एड करके क्लोज कर देना है। यानी ये आपका देखो रिलेशनशिप बन के आ गया, दोनों में आईडी आईडी नाम की फील्ड थी, तो वो दोनों में जब रिलेशनशिप क्रिएट किया तो यहाँ पे इस तरह की एक लाइन बन के आ जाएगी और इससे पता लगता है ये दोनों टेबल्स आपस में क्या है, रिलेटेड है, इंटर रिलेशनशिप बन गया है आपस में। और सेव करने के लिए आप सेव बटन पे क्लिक करोगे, वो जो आपकी जो भी क्वेरी है ये सेव हो जाएगी रिलेशनशिप। अब मैंने देखो अभी आपको बताया था सिलेक्ट क्वेरी, लास्ट मैंने आपको वीडियो में ये भी करवाई हुई है, बट फिर भी मैं आज आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देती हूँ। सिलेक्ट क्वेरी का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं होम क्रिएट टैब पे जाके यहाँ पे क्वेरी डिजाइन आता है। क्वेरी डिजाइन में जाओगे तो आपके पास इस तरह से टेबल आ जाएगा। टेबल में आप जो भी टेबल को, आप दो टेबल बने हुए हैं, एक टेबल को सिलेक्ट किया, उसको ऐड कर लिया, फिर इस बॉक्स को क्लोज कर दिया। जब उस टेबल को ऐड करोगे इस तरह से बन के आ जाएगा। उसमें से जो जो फील्ड आपको क्वेरी के लिए चाहिए, सपोज आपको तीन फील्ड चाहिए, तीनों को आपने डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया और तीनों का नाम इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी क्वेरी का रिजल्ट जब रन करोगे तो ये रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। उन बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे, नेम और स्कॉलरशिप, सारा टेबल नहीं आएगा, जो जो आपने सिलेक्ट किया वो ही बन के आ जाएगा। चलो हम पहले थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। सबसे पहले MSSS स्टार्ट कैसे होता है देखो बेटा। MSSS स्टार्ट करने के लिए हमें MSSS बेटा स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे देखो स्टार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे देखो M से आएगा, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस में जाने के बाद आपको कौन सी ऑप्शन लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असेस। असेस पे क्लिक किया तो ये आपका देखो असेस ओपन हो गया। अब इसमें आपको डाटाबेस बनाना है, तो आप डाटाबेस कैसे बनाओगे, ये देखो ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करो, यहाँ पे आप डाटाबेस का नेम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा नेम सीमा है, तो मैं यहाँ पे डाटाबेस का नेम क्या देती हूँ बेटा, यहाँ पे क्रिएट कर लिया हमने डाटाबेस। तो ये क्या बन गया आपका डाटाबेस। अब इसमें बेटा हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल आप किस तरह का बनाओगे, इजी सा बना लेते हैं, जैसे इन्होंने बनाया हुआ था। फर्स्ट में यहाँ पे डबल क्लिक करके हमने दे दिया नेम, हमने नेम लेना है बच्चे का। नेक्स्ट बेटा आपको फील्ड यहाँ पे डबल क्लिक करके आप ले लोगे यहाँ से मार्क्स, ठीक है। मार्क्स के बाद आप ले लोगे यहाँ पे उसका एड्रेस, सॉरी एड्रेस रहने दो बेटा, या तो फोन नंबर ले लो, फोन नंबर। इसमें बेटा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाना होता, डॉट्स नहीं वो उठाता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमने ले लिया इसकी स्कॉलरशिप ले लो या समथिंग वो ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, कौन सी स्पोर्ट्स में वो है। एंड द लास्ट में हमने ले लिया उसका क्लास। जितनी मर्जी फील्ड्स बना सकते हो बेटा आप। अब इसमें हमने डाटा एंटर करना है, तो डाटा में हमने एंटर किया, जैसे सबसे पहले हमने दे दिया सुनील नेम, देन हमने टैब की प्रेस की है, उसके मार्क्स देने हैं तो हमने मार्क्स दे दिए 75। फोन नंबर वैसे ही कोई ऐसे भर देते हैं हम। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने लिख दिया उसका क्रिकेट, क्लास मैंने उसकी लिख दी 8। नेक्स्ट बेटा हमने नेम ले लिया अनिल, देन उसकी लिख लिया एंड नंबर ऐसे ही भर दिया हमने, और यहाँ पे हमने ले लिया बास्केटबॉल, क्लास उसकी भी 8 ले ली हमने। नेक्स्ट बेटा एरो कीज के साथ अप डाउन कर सकते हो आप। अब हमने नेम ले लिया महक, अब उसका डाटा ले लिया, देन हमने उसका नंबर डाल दिया, देन बेटा उसका हमने ये डाल दिया। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है, यहाँ पे हमने लिख दिया चलो मैं अपना नेम ही लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमने नेम मार्क्स लिखे हैं, फिर से थोड़े से चेंज कर लो, मार्क्स सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर टाइप किया एंड हमने इसमें लिख दिया बैडमिंटन। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे भी हमने जो क्लास है, क्लास आप कौन सी लिखोगे, मेरी चलो 8th लिख लो, कोई बात नहीं। तो कितनी मर्जी फील्ड्स को आप बना सकते हो, जैसे कि हमने इस फील्ड्स को बना लिया। अब इस फील्ड्स को बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस टेबल को सेव करना है। यहाँ पे सेव की ऑप्शन है, सेव पे क्लिक करो, वो टेबल का नेम पूछेगा, हमने टेबल 1 रख दिया। ओके, तो आपका ये टेबल क्या हो गया बेटा, सेव हो गया। ये सेकेंड चैप्टर में सारा आपका प्रैक्टिकल है बेटा, ये अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है। ये तो मैंने पहले आपको इसलिए बनवाया ताकि क्वेरी कैसे समझ में आएगी, अगर ये नहीं बनाएंगे तो हम। इसके बाद हमें क्या बनाना है बेटा, क्वेरी। आपका जो बुक नंबर पेज है 46 बुक नंबर पेज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे आप हमारे पास आएगा क्वेरी डिजाइन। ये देखो ये ऑप्शन है क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन के बाद टेबल आ गया, उसमें से मैंने टेबल 1 ही सिलेक्ट कर लिया क्योंकि एक ही टेबल बनाया था हमने, उस टेबल को हमने ऐड कर लिया, देखो वहां पे आ गया। फिर इस बॉक्स को क्लोज करो, देखो उसी तरह से सारा कुछ आ गया यहाँ पे। अब इसमें से हम वो फील्ड सिलेक्ट करेंगे जिसकी क्वेरी बनानी है। जैसे नेम, डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, नेम के ऊपर, ठीक है बेटा। नेम के बाद हमारे पास हमने क्लिक कर दिया मार्क्स, मार्क्स के बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया क्लास, ठीक है बेटा। दो चीजें हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो बेटा,
यहाँ पे फोन नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो हमने अलग अलग यहाँ पे क्वेरी लगा दी, तो ये आपके पास क्वेरी आ गई। अब इस क्वेरी को रन करना है, भी इतनी फील्ड थी हमारे पास पांच, पर हमने यहाँ पे कितनी ली है क्वेरी में, फोर। तो आपको फोर का ही रिजल्ट देखना है। ये क्वेरी बनाने के बाद आप यहाँ से क्वेरी को क्या करोगे, रन करोगे। रन होने के बाद देखो हमारे पास उसका नेम आ गया, फिर फोन नंबर आ गया, फिर मार्क्स आ गया, फिर क्लास आ गया। देखो टेबल में तो हमने यहाँ पे उसके स्पोर्ट्स भी लिखे थे, पर देखो क्वेरी में हमारे पास स्पोर्ट्स नहीं आए क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं किया इसको। तो ये क्या बन गई बेटा, क्वेरी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक उठाइए, बुक में सारा प्रैक्टिकल है, और लाइव क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो बेटा क्वेरी में अब हम क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे। आपका पेज नंबर 47 पे स्टार्ट होता है ये टॉपिक, एडिंग क्राइटेरिया इन सिलेक्ट क्वेरी। अब सपोज आप कहते हो मेरे को वही बच्चों का नेम देखना है जिसके मार्क्स 60 या 65 से अबव है, तो आप कैसे करोगे। देखो पहले व्यू में जाओगे, व्यू में जाने के बाद इसका डिजाइन व्यू ले लिया। डिजाइन व्यू लेने के बाद देखो ये लिखा आ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के नीचे यहाँ मार्क्स, मार्क्स में हम लिख देंगे ग्रेटर देन 60, सॉरी ग्रेटर देन 80 लिख देते हैं, 80 से अबव वाले बच्चे उठाने होते हैं, ठीक है। कोई भी उठा लो, 70 लिख लो, 80 लिख लो। लिखने के बाद हम दोबारा से रन पे क्लिक करेंगे। देखो आपके पास एक ही बच्चे का नेम आ रहा है क्वेरी में, जब हमने लिखा ही 80 है, 80 से अबव हमारे एक ही बच्चे का था, तो एक बच्चे का रिजल्ट आ गया। तो ये आपने उससे क्वेश्चन पूछा, मेरे को सिर्फ वही बच्चे का नेम शो करो जिसके मार्क्स 80 से अबव है, तो देखो उसका ही उन्होंने शो कर दिया। टेबल में देखो हमारी कितनी एंट्रीज थी, फोर एंट्रीज थी, पर क्वेरी में सिर्फ वन एंट्री है क्योंकि देखो 80 से ऊपर किसी के मार्क्स ही नहीं है, बस सिर्फ एक बच्चे के अनिल के, तो क्वेरी में उसका आंसर आ गया अनिल। तो ये क्राइटेरिया भी समझ में आ गया। अब क्वेरी को कैसे सेव करोगे, उसी तरह से सेव बटन पे क्लिक किया, क्वेरी का नेम दे दिया हमने, क्वेरी वन ही दे दिया, ओके। तो क्वेरी भी आपकी सेव हो गई। समझ में आया बेटा ये सारा आपको। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखो ये हमने टॉपिक कर लिया, सेलेक्ट क्वेरी वाला, ये वाला टॉपिक देखो मैंने अभी क्राइटेरिया करवाया आपको। अब इसके बाद देखो ये मैंने क्राइटेरिया करवाया आपको, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 45 लगा हुआ है ना, ये देखो तो हमने 65 लिखा था, इन्होंने हमने 80 लिख लिया। रन करके हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया था। अब हमने सेव करना भी सीख लिया, ये मैंने आपको बताया था, सेव सेलेक्ट क्वेरी का नेम देके ओके। सेव होने के बाद हमारे पास टॉपिक आता है क्रिएटिंग अ पैरामीटर क्वेरी। अब एक और क्वेरी है पैरामीटर क्वेरी, वो कैसे करेंगे उसका भी प्रैक्टिकल देखिए बेटा। ये सारे स्टेप्स आपको प्रैक्टिकल में दिखेंगे, जो भी यहाँ पे फोटोज है मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखो मैंने दोबारा से एसएस खोल लिया। अब इसको कैसे करूंगी मैं, सबसे पहले हम जाएंगे बेटा इसके डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब आ गया बेटा यहाँ पे। डिजाइन टैब में यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है पैरामीटर, पैरामीटर क्वेरी करनी है, पैरामीटर के ऊपर क्लिक किया, देखो वही बॉक्स आ गया जो आपकी बुक में है। तो यहाँ पे हमने मार्क्स लेने, जैसे बुक में लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स। यहाँ से डाटा टाइप लेनी है, आपकी बुक वालों ने कहा इंटीजर लेनी है तो हमने इंटीजर ले लिया। इंटीजर लेने के बाद हमने क्या कर दिया बेटा, ओके। ओके करने के बाद वो कहता है यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, 80 की जगह पे हम स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, चौरस ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं, उसमें हमने लिख दिया मार्क्स, स्क्वेयर ब्रैकेट को हमने कर दिया बंद। उसके बाद जब आप इस क्वेरी को रन करोगे बेटा, ये रहा रन का ऑप्शन ऊपर, यहाँ पे वो पूछ रहा है कितने मार्क्स वाले बच्चे चाहिए आपको। पहले तो हमने 80 भरा था, अब हम 70 फिल करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, ओके। तो अब देखो हमारे पास तीन बच्चे आ गए 70 से अबव लिखने के बाद, फोर फिर भी नहीं आए क्योंकि हमने क्या लिखा था, 70 से अबव, जिसके 70 से कम है वो आंसर नहीं आएगा, जिसके 70 से अबव है वो आंसर आ गया। तो इस तरह से पैरामीटर में हम नंबर दे सकते हैं। तो आई होप आपको पैरामीटर क्वेरी भी समझ में आ गई होगी बेटा। चलो फिर ये टॉपिक हमारा कवर हुआ बेटा, इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी हुई पैरामीटर क्वेरी तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक देखो ये बॉक्स भी आया था हमारा मार्क्स वाला, ये बॉक्स भी आया था प्रैक्टिकल में, हमने यहाँ पे 70 लिखा था, ओके किया था। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 49 का आगे वाला थोड़ा सा पैराग्राफ हमने कवर कर लिया। पैरामीटर क्वेरी तक सबने पढ़ना है, और जब भी आपकी नेक्स्ट लाइव क्लास में लूंगी उसमें आपको उसके रिगार्डिंग डाउट्स पूछने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।